मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं, खैर गुड आफ्टरनून गाइस। सो ये जो हालत देख रहे हो आप लोग, ये वाला ए मैं एक्सीडेंट हुआ था 12 तारीख को रात के 7:30-8 बजे आगिया रोड पे, आगिया टू गोलपा रोड पे। और जो सो क्या हुआ था कि और एक्सीडेंट के पहले आधा घंटे पहले मैं ही बाइक चला रहा था वो वाला। सो एक्सीडेंट ड्यूक 390 पे हुआ, आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा, ये देख सकते हो आप लोग पीछे ये जो वीडियो। ड्यूक का हालत बहुत ख़राब है, हेडलाइट वेडलाइट सब टूट टूट चुका है और रिंग पूरा पहिया ये भी बैंड हो चुका है। सो क्या हुआ था कि एक ढाबा पे हम लोग रुके थे ठंडे वंडे चाय वाय पी के, मस्त वहाँ से निकला। फिर दोस्त ने बोला कि दो मैं बाइक चलाऊँ, सो मैंने दे दिया। ओ आते आते ज़्यादा भी स्पीड नहीं था, 60-70 स्पीड पे। वो हम लोगों को क्या करना था, वो सीधा आना था, सीधा आने पे आगिया बाज़ार मिलता है, वहाँ से राइट लेते ही हम लोग पहुँच जाते लखीपुर। लेकिन क्या किया उसने, सीधा है और राइट लेफ्ट साइड पे मोड़ दिया और टर्निंग है, छोटा सा टर्निंग है, और वहाँ पर 60-70 स्पीड पे बाइक लीन करते करते वो रोड ही ख़त्म हो गया। इसलिए बाइक सामने जाकर टकराई पोस्ट से, और जो रास्ते के टर्निंग पे जो पोस्ट रहता है ना, खंबा जैसा बहुत सारे, वहाँ जाके टकराया। मैं तो वही बेहोश हो गया, मेरा होश हॉस्पिटल में जाके खुला। क्या जब नर्स ने मेरा पट्टी वट्टी कर रहा था तब जाके मेरा होश आया। तो इतने देर तो मैं बेहोश था, लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पे गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गया, और वो मेन हड्डी पे थोड़ा सा चोट आया, लेकिन टूटा वूटा नहीं। लेकिन मेरा दोस्त का दोनों घुटने पे घुटना गया था, लेकिन वो ठीक हो गया। और चेस्ट पे थोड़ा सा खून जमा हुआ है, वो दवाई खाने खाने से वो चला जाएगा। जो